होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो? सब कुछ बेहतरीन, लाइफ ग्रेट, रंगीन, हसीन। सो अभी आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। बच्चे मुझे एक चीज़ बताइए। एक कल मैं क्लास ले रहा था, सो मैंने उसमें एक चीज़ डिस्कस की और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। मॉर्निंग का टाइम है ये, कि सो बच्चों बस डिस्कशन इस चीज़ को लेके था कि 5 मिनट अगर हम इंस्टाग्राम यूज़ कर, जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर, मतलब इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा ऐप है, 5 मिनट के बाद अगर हम 5 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करें तो मुझे बताइए वो जो अपने मन में इमोशंस आते हैं किसी भी चीज़ को देख के, इंस्टाग्राम यूज़ करके 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट में आपको कैसा फील होता है? अलग अलग टाइप के फील होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोज़ देख के, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है यार कि चलो हम थोड़े से उत्साहित हो गए हमारे कोर्स को लेकर। जैसे आप इंडिया जीतती है तो आपको वो देख के अच्छा फील होता है, गर्वांकित महसूस होता है, ठीक है। सो हर एक चीज़ क्लास अटेंड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, तो हर एक चीज़ करने के बाद आपको अच्छा फील होता है। बट इंस्टाग्राम अगर आप 5 मिनट यूज़ करें, सो इंस्टाग्राम 5 मिनट यूज़ करने के बाद बच्चों हाउ डू यू फील? आप अगर आप देखें, अगर आप इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं तो आपके मन में जो इमोशंस हैं बच्चों वो कैसे आते हैं, मुझे ये बताइए जल्दी से। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताइए बच्चों। मैं एक सर्वे कर रहा था, मैं अपना ही सर्वे कर रहा था कि यार इंस्टाग्राम यूज़ करने के 5 मिनट के बाद मुझे कैसा फील होता है, मतलब 5 मिनट अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़ करूँ उसके बाद मुझे कैसा फील होता है। तो मैं आपको कुछ अपनी फीलिंग्स बताता हूँ। सबसे पहले मेरे अंदर फीलिंग आती है कि यार मुझे ना एक तुरंत एक नई कार अपडेट करनी चाहिए, अगर मार्केट अगर अच्छे से रहना है। मेरे पास फ़ोन एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए, एकदम iPhone 13 Pro Max या उससे भी कोई बड़ा फ़ोन, भयंकर वाला फ़ोन। ये एक फील आता है मेरे मन में। उसके बाद मुझे एक फील आता है कि यार दुनिया में लोग कितने आगे निकल गए हैं, लोगों की बॉडी कितनी मस्त है, अरे बाप रे, और अपन सारा लाइफ में क्या ही कर रहे हैं। उसके बाद मुझे कुछ नई चीज़ें खरीदने का मन आता है कि यार मेरे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, मुझे मेरे पास वो चीज़ भी होनी चाहिए। और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे काफ़ी इन्फीरियर सा फील होने लगता है जब मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, अरे बाप रे उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो लाइफ में ये कर लिया है। और बच्चों कहीं ना कहीं मैं भूल जाता हूँ, भले ही मैंने आज तक लाइफ में कुछ भी किया हो बट मैं ये भूल जाता हूँ कि यार मैंने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा काम किया है लाइफ में। आई बिकेम वन ऑफ इंडियाज़ यंगेस्ट CS बना, मैं लाइफ में काफ़ी अच्छा किया। बच्चों मैं प्लीज़ आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उतना बुरा भी नहीं किया। लेकिन इंस्टाग्राम देखने के बाद वहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका रियल में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी पढ़ाई के टर्म्स में इनकी कोई वो नहीं है, बट स्टिल मीम्स बनाकर या किसी और माध्यम से। सो बच्चों यू नो वॉट, वी आर जस्ट वेस्टिंग आर टाइम ऑन इंस्टाग्राम। और बच्चों आप सबको पता है व्यापार के चलते, मेरे नॉट व्यापार बट मेरे एडुकेशन फील्ड के चलते बच्चों, मुझे तो आपको पता ही है कि मुझे इंस्टाग्राम कितना यूज़फुल है। बट बच्चों मैंने और कल मेरी CA फाउंडेशन की बैच को मैं जब पढ़ा रहा था तो हम सब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम एक हफ्ते तक, एक वीक तक, स्टार्टिंग विथ टुडे, लाइक हम लोगों ने कल डिसाइड किया तो कल से लेके नेक्स्ट 1 वीक तक हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इस 1 वीक में हम कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कितने कम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो जो एक इन्फीरियर वाला फील होता है इंस्टाग्राम यूज़ करें, किसी को भी बच्चों, मोदी जी भी अगर इंस्टाग्राम देखें ना तो शायद 2 मिनट के लिए वो भी इन्फीरियर फील करने लगे, यार विराट कोहली के तो मेरे ज़्यादा फॉलोअर हैं। या देर आर, मैं सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, देर आर मैनी रीजन्स यू नो ऑन बेसिस ऑफ विच इंस्टाग्राम मेक्स यू। फिर कई लोग बोलते हैं सर मैं लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा लेग्स का फॉर्म बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैंने विराट कोहली का देखा तो मैं बोला यार मैं तो बहुत कमजोर हूँ, जबकि मैं ये भूल गया कि विराट कोहली 10 घंटे जिम करता है या उसका प्रोफेशन ही वो है। मैं तो भाई अपने को घर भी संभालना है, अपने को रोजी रोटी भी कमानी है, अपने को दुनिया भर के काम भी करने हैं, उसके बाद भी अगर अपन फिटनेस के लिए 1 घंटा दे रहे हैं तो अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है, अपन लेग्स कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। सो हम अपने अचीवमेंट्स भूल जाते हैं और हम ना बाकी दुनिया भर के अचीवमेंट्स को देख के काफ़ी इन्फीरियर सा फील करने लगते हैं। फिर आजकल एक नया चीज़ है बच्चों, इंस्टाग्राम वो रील्स आ गया, वो सारे टिकटॉकर्स के छपरी लोग जो थे वो इधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो बच्चों वहाँ पे पूरी बकर चालू है बच्चों। फिर सुंदर लड़कियां हैं जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, सो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आपको दिख जाती हैं इंस्टाग्राम में। कुल मिला के इंस्टाग्राम में वो सारा मसाला है जो आपको चाहिए, जो आपको आराम से 25-30 मिनट फ़ोन में एंगेज रख सकता है।
सो बच्चों, मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा आज से, अगर आप सब मेरे साथ हैं, अगर आप सब मेरे साथ हैं, और मेरे साथ क्या बच्चों, अपने करियर के साथ हैं, अगर आप विदाउट टेंशन की लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा पूरा केंद्रित, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस फ्री लाइफ चाहिए मुझे, और मुझे, मैं अपने आप में बहुत स्पेशल हूँ, इन्फीरियर, मुझे जो भी इन्फीरियर फील कराएगा मैं उसको अपनी ज़िंदगी में खुद इन्फीरियर कर दूंगा, माँ की आँख। तो बच्चों, अगर मुझे बताइए आप सब लोग मेरे साथ हैं तो क्या बच्चों आप सब तैयार हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए एक हफ्ते के लिए, एंड वी वुड बिगिन विद दिस वन वीक, हम लोग एक वीक की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर आप एक वीक, अगर आप बोलते हैं कि एक वीक के बाद, अगर आप बोलते हैं कि नहीं दुष्यंत सर मज़ा नहीं आ रहा इंस्टाग्राम के बिना, सच में इंस्टाग्राम तो हमें मोटिवेट करता था और इंस्टाग्राम के बिना हमारी लाइफ सच में ख़राब हो गई है, तो बच्चों हम इंस्टाग्राम रीइंस्टॉल कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के लिए बच्चों व्हाई नॉट अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम को, हम क्यों ना अनइंस्टॉल कर दें बच्चों। सो आई होप बच्चों आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे, यू ऑल विल बी विथ मी। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू।